जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। पिछले 9वें अध्याय की कथा में आपने सुना था कि माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया है और भगवान शंकर को इससे क्रोध हुआ। उसके बाद दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ था। उसके पश्चात दक्ष के यज्ञ को भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने संपूर्ण करवाया था। अब उससे आगे की कथा। एक छोटा सा निवेदन, कृपया हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो अब 10वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रुति देव ब्राह्मण आगे कथा सुनाते हुए कहने लगे हैं कि भगवान श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया है। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे हैं। आज माता सती के वियोग में वो बड़े दुखी हैं, इसलिए तपस्या में भगवान श्री नारायण जी को याद कर रहे हैं ताकि भगवान के चरणों में उनका मन लग सके। वैसे तो भगवान शिव शंकर सुख दुख से परे हैं, लेकिन आदि शक्ति माँ सती के विरह का कुछ दुख तो उनके मन में निश्चय ही था। और उधर दूसरी ओर दक्ष प्रजापति की कन्या महापतिव्रता माता सती ने आज हिमालय के घर मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा है। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ है। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है और ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आए हैं तो उस राक्षस ने वरदान में मांगा है कि वह किसी देवता राक्षस नाग और नूशे के हाथ से नहीं मरे, परंतु रुद्र भगवान शिव शंकर के पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु हो, ऐसा वरदान राक्षस ने मांगा है। मन में एक विचार था, राक्षस ने सोचा है कि जब भगवान शिव शंकर के स्त्री ही नहीं है तो पुत्र तो फिर कहां से होगा, फिर ऐसे मेरी मृत्यु नहीं हो सकेगी, इसलिए तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा है। उस समय ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसको वरदान दे दिया है। तब तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया है, सब देवताओं को अपना दास बना लिया और सब देवांगनाओं को अपनी दासी बना लिया है, सभी अप्सराओं को भी अपनी दासी बना लिया है। इस प्रकार सब देवता अत्यंत दुखी हुए हैं और ब्रह्मा जी की शरण में आए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी जानकर उन्हें कहा है कि तारकासुर को वरदान देते समय हमने इस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। शिवजी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे, अब उसने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया है। माता सती आज हिमालय के घर में पार्वती जी के रूप में रह रही है, परंतु रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। सो हे देवताओं, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र भगवान का माता पार्वती जी के साथ विवाह हो जाए, उनका पाणि ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर देवगुरु बृहस्पति जी से सलाह ली है और उसके पश्चात देवराज इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवऋषि नारद तथा कामदेव को बुलाया है और उनसे कहा है कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाएं कि आपके यहाँ जो पार्वती नाम की पुत्री है वो पहले के जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी माता सती थी, इसलिए इस जन्म में वो पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या पार्वती का विवाह उनसे कर दो जिससे कि माता पार्वती वहां जाकर भगवान शिव शंकर की सेवा कर सकें, क्योंकि वही उनके पति होंगे। इस जन्म की बात नहीं है, सदा सदा के लिए ही भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता आया है, इसलिए भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से ही होगा, पार्वती जी का विवाह किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। इंद्र की ये आज्ञा पाकर देवऋषि नारद जी को जैसा समझाया गया था ठीक वैसा ही करने के लिए देवऋषि नारद चले गए हैं। और उस समय देवराज इंद्र ने कामदेव को कहा है कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित
तपोवन में जहाँ भगवान शंकर शिव शंकर भोलेनाथ तपस्या कर रहे हैं वहाँ पर जाओ और वहाँ पर बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहाँ पर पहुँच जाएं उस समय धनुष चढ़ाकर काम बाण मारो कि जिससे शिव जी मोहित हो जाएं। हे कामदेव, उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे और सब देवताओं को सुख मिलेगा। तारकासुर का वध किसी और उपाय से नहीं हो सकता। भगवान शंकर और माता पार्वती जी का जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा, इसलिए तुम्हें मेरी ये आज्ञा माननी ही होगी। सब देवताओं की भलाई इसी में है। उस समय कामदेव ने ये सुना और मन में सोचने लगा है कि अगर ये कार्य मैं करता हूँ तो भगवान शंकर को मेरे ऊपर क्रोध आएगा और हो सकता है वो मुझे मृत्यु दंड दे दे। लेकिन इस समय सब देवताओं की भलाई इसी में है कि इस कार्य को मैं जरूर करूँ। उस समय ऐसा सोचकर देवराज इंद्र की आज्ञा को पाकर कामदेव अपनी पत्नी रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार करने लगा है। उस समय भगवान महादेव जी तपस्या में लगे हुए थे और माता पार्वती जी भगवान शिव शंकर के पास बैठी हुई थी। उसी समय कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर भगवान शिव को एक काम बाण मारा है। उस समय शिव जी भगवान का मन चलायमान हुआ है। कामदेव उस समय दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि भगवान शिव को यह विचार मन में उत्पन्न हुआ है कि उनके मन का चंचल होने का कारण क्या है। मेरा मन तो चंचल हो नहीं सकता था। भगवान शंकर सोचने लगे हैं कि मेरा मन तो भगवान श्री नारायण के चरणों में लीन था, लेकिन इस समय ऐसी कौन सी घटना हुई है कि जिससे मेरा मन चंचल हो गया है। मैं तो दीर्घ काल से भगवान जी की तपस्या में संलग्न था, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है। ये सोचकर भगवान शिव शंकर चारों तरफ देखने लगे हैं। उस समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को कामदेव दिखाई दिया है। उस समय क्रोध से अपने मस्तक से भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला है तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई है कि जिससे सारा संसार भयभीत हो गया। उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव उसी जगह पर भस्म हो गया है। बसंत और रति भी भयभीत होकर वहां से भाग गए हैं तथा माता पार्वती जी भी एक और डरकर दूर जाकर खड़ी हो गई है। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भगवान भी उस समय अंतर ध्यान हुए हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्रुति देव ब्राह्मण राजा मैथिल से कहने लगे हैं कि हे राजन, सब देवता अपने हित के लिए एक ऐसा कार्य करने जा रहे थे कि जिसमें अधर्म छिपा हुआ था। यदि कोई साधारण ऋषि मुनि साधु महात्मा भी तपस्या में संलग्न हो तो उनके साथ कभी दुष्टता नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भगवान श्री नारायण जी की तपस्या में संलग्न है। सब देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए उनके साथ गलत व्यवहार किया है, कामदेव को भेजकर उनके साथ दुष्टता की है और उसका परिणाम उनको मिला है। गए किस काम के लिए थे कामदेव, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। अपने अर्थ सिद्धि के लिए गए थे, लेकिन अनर्थ हुआ है। हे राजन, जो कोई भी साधु महात्माओं के साथ दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ठीक इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था, इसलिए उसने महान दुख भोगे हैं और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया है एवं 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा है। हे राजन, सदा याद रखना, जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी और के धर्म को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसका कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार भगवान शंकर को कामदेव ने काम बाण चलाकर उनके ऊपर आघात किया था और उसका दुख उनको मिला है, उनके शरीर को भस्म होना पड़ा है, कामदेव को भगवान शंकर के क्रोध से भस्म होना पड़ा है, सब देवता दुखी हुए हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। जो कार्य एक बार कर लिया उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो यहीं पर विशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे छोटा सा निवेदन कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सके। विशाख मास के
कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी इस बार 7 मई दिन शुक्रवार को है। उसकी कथा को भी हमने इस चैनल पर डाल दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वरुथनी एकादशी की कथा भी कृपया आप जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।